Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve chapter 18 of class 4th Arya Sagarwal Maths. The chapter is about time. Let's begin with the theory. Measurement of time is an important aspect in our life, daily life. It helps us to prepare our schedule and work in an orderly manner. टाइम का सही सही मेजरमेंट करना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी सहायता से ही हम आगे जो भी शेड्यूल हमें करना है, जो भी काम करना है, उसको ऑर्डर में हम कर पाते हैं कि इतने बजे स्कूल जाना है, फिर लौट के आना है, फिर होमवर्क करना है, फिर उसके बाद खेलने जाना है। तो ये ऑर्डर में जो हम काम करते हैं, तो अगर हमें टाइम नहीं पता चलेगा, शेड्यूल हमारा फिक्स नहीं होगा, तो हम ये कर नहीं पाएंगे इस प्रॉपर तरीके से। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम ये सारे काम परफॉर्म करते हैं। ये सिंपल 12 आवर क्लॉक है, जिसका कि फेस आपको दिखाई दे रहा। घरों में ऐसी ही वॉच हमारे यहां होती है, क्लॉक होती है। अब इसमें ये जो पूरा फेस या डायल कहें, ये 12 इक्वल डिविजन्स में, जिन्हें हम बिग डिविजन्स कहते हैं, उसमें डिवाइड रहता है। देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो पूरी क्लॉक जो है 12 इक्वल बिग डिविजन्स में डिवाइड रहती है, और हमने उसका लेवल किया होता है ऐसे नंबरों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 12 करके। अब किन्हीं भी दो नंबरों के बीच कंजिक्यूटिव नंबर, यानी लगातार जो नंबर है, जैसे 12 और 1 के बीच, 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, हमने 5 इक्वल स्मॉल डिवीजन किए हुए होते हैं, यानी 12 से 1 के बीच 5 स्मॉल डिवीजन होंगे। ऐसे 1 और 2 के बीच 5 स्मॉल डिवीजन होंगे, 2 से 3 जाना है तो 5 स्मॉल डिवीजन को क्रॉस करना होगा। तो पहले तो ये 1 से लेकर 12 तक नंबर हो गए, और फिर बिग डिवीजन, उसके बाद स्मॉल डिवीजन 5 है, तो 12 5 60। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे यहां से छोटे छोटे जो डिवीजन है, स्मॉल डिवीजन, तो इस तरह से 60 डिवीजन होंगे। तो याद रखना है, जो फेस या डायल होता है क्लॉक का, वो 60 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड होता है। अब हैंड्स की बात करें तो इसमें 2 हैंड्स होते हैं। देखिए, छोटा वाला हैंड्स क्या कहलाता है, आवर हैंड कहलाता है, और ये जो उससे बड़ा हैंड है, लॉन्गर हैंड है, ये कहलाता है मिनट हैंड। शॉर्टर हैंड को हम कहते हैं आवर हैंड, और ये जो बिगर हैंड है, लॉन्गर हैंड है, ये कहलाता है मिनट हैंड। अब देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ मिनट हैंड कैसे होता है। तो मिनट हैंड एक स्मॉल डिवीजन में, 12 ये 12 और 1 के बीच 5 स्मॉल डिवीजन है, तो एक स्मॉल डिवीजन क्रॉस करता है, यानी एक स्मॉल डिवीजन से दूसरे स्मॉल डिवीजन पहुंचता है, तो इसमें उसको 1 मिनट लगता है। तो इस तरह से ये 5 डिवीजन, यानी 12 से 1 तक आने में उसे 5 मिनट लगेंगे, 1 से 2 जाने में उसे फिर 5 मिनट लगेंगे। तो स्मॉल डिवीजन जाने में 1 मिनट लगता है, और ये जो नंबर दिए बिग डिवीजन, तो बिग डिवीजन को क्रॉस करने में, एक बिग डिवीजन से दूसरे बिग डिवीजन जाने में उसे 5 मिनट्स लगते हैं। तो इस तरह से 60 मिनट्स में ये 60 स्मॉल डिवीजन कवर करता है मिनट हैंड, और ये पूरा रोटेट करना क्या कहलाता है, 60 डिवीजन ये यहां से यहां तक पहुंच जाना, ये कहलाता है 1 आवर। इस तरह से हम कह सकते हैं, दस द मिनट हैंड कवर 60 स्मॉल डिवीजन इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स, और मिनट हैंड 60 मिनट्स में वो कंप्लीट एक चक्कर लगा लेता है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है। रही बात आवर हैंड की, तो आवर हैंड्स को 12 आवर लगते हैं कंप्लीट 1 राउंड करने में, और फुल राउंड, फुल 2 राउंड करने में उसे लगते हैं 24 आवर, क्योंकि एक दिन में ये 2 फुल राउंड करता है आवर हैंड। तो याद रखना, 1 day = 24 hours। यहां पर आवर हैंड
वन पर है और मिनट हैंड 12 पर है, तो इस टाइम को हम कहते हैं 1 o'clock. द आवर हैंड इज एट 1 एंड द मिनट हैंड इज एट 12. इसे हम क्या रीड करते हैं? 1 o'clock. इसी तरह से जब आवर हैंड 2 पर होगा और मिनट हैंड 12 पर होगा तो हम उसे पढ़ेंगे 2 o'clock. ऐसे ही आवर हैंड 3 पर होगा और मिनट हैंड 12 पर होगा तो उसे हम रीड करेंगे 3 o'clock. अब यहां हम देख रहे हैं कि आवर हैंड ना तो 4 पर है ना ही 5 है, 4 और 5 के बीच पर कहीं है, ठीक है, और मिनट हैंड कहां पर है? 8. तो हम ये देख रहे हैं कि 4 से ज्यादा है टाइम, अभी 5 नहीं हुआ है, 4 से ज्यादा है. और रही बात मिनट की, तो मैंने कहा था, हमने कहा था कि एक बिट डिवीजन का मतलब होता है 5 मिनट, यानी 1 से 2 आना है तो 5, 2 से 3 जाना है तो 5. तो यहां देखिए 8 पर आ गया ये, अभी 8 पर है, तो 8 5 40 मिनट्स, और टाइम क्या हो गया? 4 से ज्यादा. तो इसको हम क्या रीड करेंगे? 4:40, या हम कह सकते हैं 4:40, मतलब 40 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, तो हम इसको रीड कर सकते हैं 40 मिनट्स पास्ट 4. या देखिए अभी अगर ये मिनट हैंड 12 पर आ जाता है तो आवर हैंड धीरे धीरे 5 पर आ जाएगा, यानी 5 बजने में भी कितना टाइम बाकी है? तो देखिए रीड करते हैं 1 2 3 4, 4 डिवीजन है यहां पर, 4 बिट डिवीजन है, 4 5 20, तो 20 मिनट बाकी है 5 बजने में. 4 से तो आगे टाइम निकल चुका है, पर 5 कब बजेगा? जब ये मिनट हैंड 12 पर आ जाएगा, तो इसके लिए 20 मिनट और क्रॉस करना होगा. तो हम कहेंगे 20 मिनट्स टू 5. तो इस टाइम को हम तीन तरह से कह सकते हैं, 4:40, 40 मिनट्स पास्ट 4, या 20 मिनट्स टू 5, 5 बजने में अभी 20 मिनट्स बाकी हैं. इसी तरह जब मिनट की सुई या मिनट हैंड 6 पर होता है तो उसे हम 1:30 पढ़ते हैं. जैसे 9 से आगे निकल चुका तो हम क्या पढ़ेंगे? 1:30 9. आवर हैंड अगर 9 और 10 के बीच है, यानी 9 से ज्यादा हो चुका है, और मिनट हैंड 6 पर है, तो जब मिनट हैंड 6 पर होता है तो उसे हम पढ़ते हैं 1:30. तो यहां पर रीड करेंगे 1:30 9. या फिगर की बात करें तो 6 का मतलब क्या हुआ? कितने मिनट हो गए? 1 नंबर का मतलब 5 मिनट, तो यहां पर 6 का मतलब हो गया 6 5 30, 9:30 कह सकते हैं, या 1:30 9, या 30 मिनट्स पास्ट 9. अब देखिए अगर ये मिनट हैंड 12 पर पहुंच जाएगा तो ये आवर हैंड की जो है ये पहुंच जाएगा 10 पर. तो यहां देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बिग डिवीजन क्रॉस करना होगा आवर मिनट हैंड्स को. तो मिनट हैंड को 1 2 3 4 5 6 डिवीजन क्रॉस करना होगा, नहीं 6 5 30, 30 मिनट्स टू 10. हम ये कह सकते हैं कि 10 बजने में भी 30 मिनट्स बाकी है, 30 मिनट्स टू 10. इस तरह से भी इसको हम रीड कर सकते हैं. जब मिनट हैंड 3 पर होता है तो उसे पढ़ते हैं क्वार्टर या 15, 1 2 3 3 5 15 मिनट्स. मिनट्स में क्या रीड करेंगे? 15 मिनट्स है या फिर क्वार्टर. तो अभी देख रहे हैं कि आवर की जो आवर हैंड है ये 6 और 7 के बीच में, 6 को क्रॉस कर चुका है, तो हम इसे रीड करते हैं 6:15, या 6 से 15 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, तो 15 मिनट्स पास्ट 6, और 15 को क्वार्टर भी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं 1:15 6, जब भी मिनट हैंड 3 पर होगा. वही यहां पर अगर मिनट हैंड 9 पर है तो कितने मिनट रीड करेंगे इसको? तो देखिए 9 जिस नंबर के सामने होती है 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने मिनट, 9 5 45 मिनट हो चुका है, और टाइम 2 से ज्यादा हो चुका क्योंकि मिनट की जो आवर हैंड जो है, आवर हैंड यहां 2 और 3 के बीच में है, 2 से आगे निकल चुका है, यानी 2 से ज्यादा टाइम कितना हो गया है? 45 मिनट्स. तो हम इसे रीड करेंगे 2:45, या हम कह सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 2, या ये भी कह सकते हैं 3 बजने में कितना है अब आगे जो है 1 2 3, ये मिनट हैंड अगर 12 पे आ जाएगा तो 3 बज जाएगा, तो मिनट हैंड बजने में कितना टाइम है? तो 1 2 3 बिग नंबर्स हैं, बिग डिवीजन है, तो 3 5 15
15 को हम क्वार्टर पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं क्वार्टर टू थ्री, क्वार्टर टू थ्री। अब अगर मिनट हैंड जो बिग डिविजन्स हैं, जो लिखे हैं नंबर इन पे ना हो, इनके बीच कहीं हो, जैसे यहां हम देख पा रहे हैं थर्ड स्मॉल डिवीजन पे है, यहां पर मिनट हैंड 9 और 10 के बीच जो 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं थर्ड स्मॉल डिवीजन पे है, और आवर हैंड 3 और 4 के बीच में है कहीं पर, 3 से ज्यादा है, 4 के नजदीक है, 3 से आगे टाइम निकल चुका है। तो मिनट की बात करें तो 9 तक क्या हुआ, 9 5 जब 45 मिनट यहां हुआ, और स्मॉल डिवीजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि 48, 45 में 3 और ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 48 मिनट्स हैं और टाइम क्या है 3 से ज्यादा हो चुका, तो हम इसे रीड करेंगे 3:48, या हम कह सकते हैं 40 मिनट्स पास्ट 3। अब ये मिनट है अगर 12 पे आ जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो 12 पे आने के लिए कितना इस पे बचा हुआ है, तो देखिए 2 यहां पर और ये 2 बिग डिवीजन ये होगा, तो 10 और प्लस 2 12, तो हम इसे रीड कर सकते हैं 12 मिनट्स टू 4, अगला आवर क्या होने वाला है 4, तो उसे हम इस तरह से रीड करते हैं 12 मिनट्स टू 4, जो भी आने वाला टाइम है कंप्लीट होने वाला है आवर, उसमें कितने मिनट रह गए हैं तो उसको इस तरह से रीड किया जाता है, तो यहां हम रीड करेंगे 12 मिनट्स टू 4। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज 62। एक्सरसाइज 62 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज डन फॉर यू। आवर हैंड किसी नंबर पर है, जैसे 8 पर है, और मिनट हैंड अगर 12 पर होता है तो ये क्या टाइम होता है 8 o'clock। आवर हैंड किस नंबर पर है 6 पर है, और मिनट हैंड 12 पर होगा तो ये क्या होगा 12 o'clock, तो यहां 12 फिल करेंगे। आवर हैंड 11 पे है, मिनट हैंड 12 पे हो तो 11 o'clock। मिनट हैंड 12 पर होगा तो आवर हैंड जिस नंबर पर होगा उतना ही टाइम रिप्रेजेंट करेंगे हम लिखेंगे, जैसे 7 पे आवर हैंड है और मिनट हैंड 12 पर है तो हम क्या रीड करेंगे 7 o'clock। अब आवर हैंड 12 पर है, मिनट हैंड भी 12 पर है, तो ये याद रखना है मिनट हैंड 12 पर होगा तो आवर हैंड जिस नंबर पे होगा उतना ही टाइम होगा, जैसे 12 पर है तो यहां पर हम क्या रीड करेंगे 12 o'clock। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द फिगर ऑफ ईच क्लॉक एंड राइट डाउन द टाइम शोन बाय इट इन टू डिफरेंट वेज। तो ऑलरेडी हमने कहा था, देखिए यहां पर आवर हैंड 9 पर है और मिनट हैंड अगर 12 पर होता है, मिनट हैंड अगर 12 पर है तो आवर हैंड जिस नंबर पे होगा उतना ही क्लॉक टाइम होगा, तो देखिए यहां पर क्या होगा 9, ये 9 है और कितने मिनट है 00 मिनट, एग्जैक्ट 9 बजा होता है जिसको 900 मिनट लिखते हैं, 900, या हम लिख सकते हैं 9 o'clock। यहां पे देखिए आवर हैंड क्या है 6 या उससे आगे है थोड़ा, तो हम यहां पे लिखेंगे 6 और फिर ये डबल, ये सेमी कॉलम जैसा साइन, डबल रेशियो का साइन जो रहता है, और मिनट हैंड कहां पर है 2 पर है, तो जितने भी नंबर होते हैं उस पर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने मिनट वो टाइम होता है, तो यहां पर 2 पर है तो 5 2 10, तो इसे हम रीड करेंगे 6 10, और 6 से यानी हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं 6 से कितना मिनट ज्यादा हो चुका है, अगर ये मिनट हैंड 12 पर होता तो हम कहते हैं एग्जैक्ट 6 बजाय, लेकिन 6 से ज्यादा हो चुका है क्योंकि आवर हैंड 6 के थोड़ा आगे हो गई है और मिनट हैंड 2 पर पहुंच गया है, तो 2 का मतलब 10, तो हम ये भी कह सकते हैं 10 मिनट्स पास्ट 6, 10 मिनट्स पास्ट 6। आवर हैंड जिस नंबर से आगे निकल जाती है तो मिनट में हम ये कहते हैं इतने मिनट पास्ट, जैसे यहां पर देखिए आवर हैंड 8 और 9 यानी 8 से आगे निकल चुकी है, तो हम इसे 8 लिखेंगे फिर ये कॉलम लगाएंगे, और मिनट हैंड कहां पर है 4, तो जितने भी नंबर होते हैं मिनट हैंड जिस नंबर पे होता है 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पता चल जाता है उतने मिनट, तो 4 ऊपर है तो 4 5 20, तो हम इसे रीड करेंगे 8:20 है, या हम ये भी कह सकते हैं कितने मिनट ज्यादा हो चुका है 8 से, 20 मिनट ज्यादा हो चुका है, तो हम ये इसे रीड करेंगे 20 मिनट्स पास्ट 8।
डी में दिया हुआ है, देखिए मिनट वाली सुई या मिनट हैंड्स कहां पर है, सेवन पे, और सेवन पे है यानी कितना मिनट हुआ, सेवन इंटू फाइव। हर एक नंबर का क्या मतलब होता है मिनट की सुई के लिए, ये मिनट हैंड क्या बताता है, डी में फिगर दिया हुआ है। आवर हैंड्स टू और थ्री के बीच में, यानी टू से ज्यादा टाइम हो चुका है और थ्री अभी नहीं हुआ है, और मिनट हैंड एग्जैक्ट सेवन पर है, तो हमें मालूम है वन बिग डिवीजन का मतलब क्या होता है, फाइव मिनट। तो सेवन पे मिनट हैंड से इसका मतलब सेवन पे मिनट हैंड है, यानी सेवन फाइव जा 35 मिनट हो चुके हैं, टू से ज्यादा टाइम हो चुका है, यानी हम क्या टाइम लिखेंगे, 2:35 या फिर 2:35 या फिर 35 पास्ट टू, दो से दो के बाद 30 मिनट और पास हो चुके हैं। ई में जो क्लॉक बनी हुई है, देखिए आवर हैंड 12 और 1 के बीच में है कहीं, यानी 12 से ज्यादा हो चुका है, तो यहां पे जो टाइम होगा 12 बज के या 12। अब रही बात मिनट की, तो मिनट हैंड है 8 पर, और जिस भी नंबर पे होता है उससे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने मिनट्स आ जाते, तो 8 5 40, तो 12:40 टाइम हुआ। यानी 12 के बाद 40 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 40 मिनट्स पास्ट 12। यहां F में आवर की आवर हैंड जो है 5 से आगे है, अभी 6 कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 5 आवर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहां हम लिखेंगे 5 आवर या 5 बज के मिनट में क्या है, मिनट हैंड्स, मिनट हैंड जो है 10 पर है, और हर एक जो नंबर होता है उससे हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो बिग डिवीजन क्या है यहां पर लेबल्ड है 10 से, तो 10 5 जो 50, यानी 5:50 टाइम हुआ, 5 बजने के बाद 50 मिनट और हो चुके हैं, तो 50 मिनट्स पास्ट 5, तो यहां हम लिख सकते हैं 50 मिनट्स पास्ट 5। मिनट हैंड 6 पर है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, 6 5 जा 30 मिनट्स या हाफ पास्ट। और रही बात आवर की, तो आवर हैंड क्या है, 4 और 5 के बीच में है, यानी 4 कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब हुआ 4:30, टोटल 12 होता है तो 6 तक आ चुका है, यानी हाफ, इसको 6 में जब मिनट की सुई होती है, मिनट हैंड होता है, तो उसे हम हाफ पढ़ते हैं, तो हाफ पास्ट 4। ऐसे ही यहां पर मिनट हैंड 3 पर होता है तो हमसे क्वार्टर पढ़ते हैं, 1 2 3, 3 मतलब 15 हुआ, बिग डिवीजन क्या है 3 यहां पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट का पता चल जाता है, 3 5 जब 15 मिनट, और 15 मिनट्स को हम क्वार्टर भी पढ़ते हैं, तो आवर हैंड क्या है 12 से आगे निकल चुका है, अभी 1 पे नहीं पहुंचा है पर 12 कंप्लीट कर चुका है, तो यहां पर हम इसे रीड करेंगे 12:15 या क्वार्टर पास्ट 12, क्योंकि 12 हो चुका है। यहां पर आवर हैंड जो है 10 और 11 के बीच है, यानी 10 कंप्लीट हो चुका है, तो यहां पर 10 लिखेंगे आवर में। और रही बात मिनट की, तो मिनट हैंड है 9 पर, तो कितने मिनट हुए, तो जिस भी नंबर पर रहता है 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45, 10:45 या 45 मिनट ज्यादा हो चुके हैं 10 से, या 10 के बाद 45 मिनट और हो चुके हैं, तो हम इसे लिखते हैं 45 मिनट पास्ट 10। यहां पर आवर हैंड जो है 9 और 10 के बीच में है कहीं, ये 9 कंप्लीट कर चुका है, और मिनट हैंड की बात करें तो 4 से आगे कितना, 4 तो बिग डिवीजन पे पहुंच गया है, तो 4 5 जा 20 तक तो यहां हो गया, इसके बाद स्मॉल डिवीजन को हम 1 काउंट करते हैं, तो 1 2, तो यहां पर क्या हुआ 20 के बाद 1 2, प्लस 2 और किया तो 22, 9 22, 4 तक 20 था और 1 2 और हो गया तो 22, 9 22। अभी 10 नहीं हुआ है, 9 के बाद 22 मिनट और हो गए हैं, तो हम इसे रीड लिखेंगे 22 मिनट्स पास्ट 9। यहां पर आवर हैंड 11 से थोड़ा आगे है, 11 कंप्लीट कर चुका है, 12 नहीं पहुंचा है, तो आवर पे क्या है 11, तो यहां 11 है, और रही बात मिनट की, तो 11 बज के कितना मिनट है, तो अभी मिनट हैंड 2 पर नहीं है, तो 1 पर
वन तक कितना हुआ, वन फाइव जब 5 मिनट, उसके बाद स्मॉल डिवीजन को वन काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 5 + 3 8 हुआ, 11 8, यानी 11 के बाद 8 मिनट और हो चुके हैं, तो हम इसे लिखते हैं 8 मिनट्स पास्ट 11। नेक्स्ट फिगर में आवर हैंड 4 से आगे है पर 5 पे अभी पहुंचा नहीं है, यानी 4 तो कंप्लीट हो गया है, तो यहां पे 4 लिखेंगे। और रही बात मिनट की, तो मिनट 9, मिनट हैंड 8 और 9 के बीच में कहीं पर है, यानी 8 तक तो कंप्लीट कर लिया है, तो यहां तक कितना हुआ, 8 5 = 40, और 40 के बाद स्मॉल डिवीजन की बात करें तो 1 2 3, थर्ड स्मॉल डिवीजन पे है, तो 40 के बाद 1 2 3, 3 और ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, तो 4:43 ये टाइम शो कर रहा है क्लॉक, 43 मिनट्स पास्ट 4। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द फिगर ऑफ ईच क्लॉक एंड राइट डाउन द टाइम शोन बाय इट इन 3 डिफरेंट वेज। तो 3 तरीके से आपको टाइम लिखना है जो ये टाइम क्लॉक बता रही है। तो देखिए, एक तो आप फिगर में लिख लेंगे, दूसरा ये लिखते हैं जैसे ये 1 और 2 के बीच है, तो 1 बज के कितना मिनट हो चुका है, कितने मिनट पास्ट हो चुके हैं, और 2 बजने में कितने मिनट बाकी हैं। आवर हैंड अगर दो इन नंबर्स के बीच में है जो बिग डिवीजन है, तो वन, तो जो पहला नंबर जिसे क्रॉस कर गया है तो कितने मिनट क्रॉस किया है वो लिखता है, दूसरा जो नेक्स्ट आवर जो कंप्लीट होगा उसमें कितने मिनट रह गए हैं, और तीसरी चीज ये अभी एग्जैक्ट क्या टाइम हुआ है, तो उसको फिगर में लिखना है। तो इस तरह से तीनों तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। जैसे अभी देखिए, आवर हैंड 1 और 2 के बीच में है कहीं पर, यानी 1 तो हो चुका है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1। अब 1 बज के कितने मिनट, मिनट वाला हैंड 8 पर है, और ये जो बिग डिवीजन है जो यहां पे काउंटिंग लिखी है 1 से लेकर 12 तक, तो जो भी नंबर लिखा रहता है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पता चल जाता है उतने मिनट, तो 8 5 = 40, तो 1:40 हुआ ये। इसे हम कह सकते हैं, दूसरा ये कह सकते हैं कि 40 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं 1 से, तो ये भी लिख लेते हैं यहां पर। एक और तरीका ये है कि अभी 2 बजने में कितना टाइम रह गया, तो देखिए 2 कब होगा, 2 o'clock तब होगा जब आवर हैंड 2 पर होगा और मिनट हैंड 12 पर होगा, तो 12 पर होने के लिए अभी से कितना क्रॉस करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 नंबर्स, 4 बिग डिविजन्स, यानी 4 5 = 20, 20 मिनट्स और रह गए हैं 2 बजने में, तो हम ये भी लिख सकते हैं 20 मिनट्स टू 2। तो इस क्वेश्चन में इसी तरह से लिखना है हमें, जैसे यहां पर 4 आवर हैंड 4 के नजदीक है और मिनट हैंड एग्जैक्ट 11 पर है, 11 मतलब कितने मिनट, 11 5 = 55 मिनट्स। यहां पर आवर हैंड 4 के पास है, यानी 3 क्रॉस कर चुका है, 4 के पास है, तो हम यहां पे 3 तो कंप्लीट हो चुका है, और रही बात मिनट की, तो मिनट हैंड जो है 10 के बाद 1 2 3, फोर्थ को इसे यहां पे फोर्थ स्मॉल डिवीजन के सामने है, तो 10 4 = 40 मिनट यहां तक हो गया, फिर टेन फाइव जा 50, और 50 के बाद 1 2 3 4, 54 हुआ, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 54 मिनट्स पास्ट 3, और 4 कब बजेगा, जब ये मिनट हैंड 12 पर होगा, तो 12 पे होने के लिए अभी कितने स्मॉल डिवीजन बाकी हैं, तो ये 5 + 1 = 6 स्मॉल डिवीजन बाकी, यानी 6 मिनट, तो 6 मिनट टू 4, 54 मिनट्स पास्ट 3, 6 मिनट टू 4, यहां से ये 1 स्मॉल डिवीजन करेगा तो 11 पे आ जाएगा, और फिर 12 तक आने के लिए ये 5 और, तो 5 × 6, 5 + 1 = 6, 6 मिनट टू 4। यहां पे हम देख पा रहे हैं 6 क्रॉस कर चुका है, और यहां पर मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड यहां पर सेकेंड पे है,
नाइन और टेन को के बीच जो फाइव स्मॉल डिवीजन है तो सेकेंड स्मॉल डिवीजन के सामने है, तो नाइन फाइव जा 45 और ये टू और तो 47 हो गया। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे, सिक्स के बाद 47, तो 647 टाइम हुआ यहां पर। अब यहां पर थ्री और क्रॉस करके 10 पे पहुंचेगा और फिर इसके बाद दो बिग डिवीजन, तो दो बिग डिवीजन मतलब 5 5 10 और यहां पर थ्री और, तो 10 प्लस 3 13 और हो जाएगा 47 में, जैसे 13 और हो जाएगा तो ये टाइम क्या हो जाएगा एग्जैक्ट 7। तो 7 बजने में अभी 7 होने में अभी 13 मिनट बाकी है, तो हम लिखेंगे 13 मिनट्स टू 7। डी में आवर हैंड 5 और 6 के बीच, यानी 5 तो कंप्लीट हो चुका है, और रही बात मिनट की, तो मिनट हैंड 7 के बाद जो सबसे पहला स्मॉल डिवीजन है उसके सामने है, तो 7 तक कितने मिनट हुए, 7 5 35 और ये स्मॉल डिवीजन एक और काउंट हुआ, तो 35 प्लस 1 36, तो यहां पर टाइम क्या मेंशन हुआ 5 36। तो 5 के बाद कितने मिनट ज्यादा हो चुके हैं 36, तो इसे हम लिखेंगे 36 मिनट्स पास्ट 5, 36 मिनट्स पास्ट 5। अब देखिए 6 कब हो जाएगा, जब ये मिनट हैंड 12 पे पहुंचेगा, तो 12 पे जाने के लिए देखिए टोटल 60 मिनट्स होते हैं, 36 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बचे कितने 36 प्लस 24 इक्वल टू होता है 60। तो यहां पर 1 2 3 4 5 बिग डिवीजन, 5 4 20 ये हुए और स्मॉल 4 डिवीजन और, तो 24 हुआ, तो 24 मिनट्स टू 6। आवर हैंड 12 और 1 के बीच में है कहीं, तो 12 हो चुका है और मिनट हैंड एग्जैक्ट 9 पर है, तो 9 5 जा 45, 12 45 हुआ ये, तो 12 के बाद कितने मिनट ज्यादा हो चुके हैं 45 मिनट्स और हो चुके हैं, तो इसे लिखेंगे हम 45 मिनट्स पास्ट 12। अब अगर ये मिनट हैंड 9 से 12 पे आ जाएगा, यहां से लेकर काउंट करते हैं जो बिग इंटरवल है 1 2 3 3 5, जब 15 मिनट्स और रह गए हैं और 15 मिनट्स को हम पढ़ते हैं क्या है क्वार्टर, तो क्वार्टर बाकी है कितने 1 1 होने के लिए यहां पे 15 मिनट्स रह गए हैं, देखिए 1 2 3 3 5, जब 15 मिनट्स रह गए हैं और जैसे 15 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो हम इसे क्या रीड करेंगे क्वार्टर टू 1। एफ फिगर में क्या है, आवर हैंड 9 और 10 के बीच में है कहीं, 10 के नजदीक है, तो 9 तो हो चुके हैं, तो यहां पे लिखेंगे 9 और मिनट हैंड यहां पर सेकंड को टच कर रहा है, तो आपको सेकंड पे पहुंचाना है इसको, मिनट हैंड 11 और 12 के बीच में सेकंड स्मॉल इंटरवल को टच कर रहा है, तो यहां पर 11 तक 55 होगा और 2 और तो 57 हो जाएगा 9 57, तो इसे हम लिखेंगे 57 मिनट्स पास्ट 9। 10 बजने के लिए कितना रह जाएगा 60 कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ 3, तो हम क्या रीड करेंगे 3 मिनट्स टू नेक्स्ट आवर क्या होगा 10 हो जाएगा। देखिए यहां पे एग्जैक्ट मेंशन नहीं, फिगर किसी किसी बुक्स में अलग दिया हुआ है, तो यहां पे आपको ये सुई जो है एग्जैक्ट क्या है सेकंड वाले 11 के बाद पहला स्मॉल डिवीजन सेकंड स्मॉल डिवीजन पर है, ये उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम ये मेंशन कर रहा हूं यहां, क्योंकि एडिशन के अकॉर्डिंग बुक चेंज हो गई है, फिगर वही रखे गए हैं, आंसर सीट में अलग आंसर आएगा। तो फिलहाल मैं आपको यह समझा देता हूं कि आपको इसे 11 के बाद पहला स्मॉल डिवीजन दूसरे स्मॉल डिवीजन पे मानना है, तो इसको लिख लेते हैं 3 मिनट्स टू 10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम इज गिवन टू यू एंड द आवर हैंड इज ड्रॉन। आवर हैंड बना दिया गया है, टाइम दिया है आपको, नीचे लिखा हुआ है टाइम, और रही बात क्लॉक में शो करने की, तो आवर हैंड भी बता दिया गया। ड्रॉ द मिनट हैंड टू शो द करेक्ट टाइम, तो जो भी टाइम नीचे लिखा है आपको यहां पर मिनट हैंड उस तरह से उसकी पोजिशन इस तरह से लोकेट करनी है कि जो टाइम नीचे दिया हुआ है वो उससे शो हो सके। तो देखिए
35 मिनट दिया है, 3:25 यानी 3:25, तो किस नंबर पे आएगा, तो जो भी मिनट है उसको आपको 25 को 5 से डिवाइड कर देना है, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी मिनट हैंड कहां पर है, 5 पर है, ये है। तो जो भी मिनट में वैल्यू दी है आपको सिर्फ 5 से डिवाइड करना है, आप उस नंबर पे पहुंच जाएंगे। 20 मिनट्स पास्ट 1:20 हो गया, मतलब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी मिनट हैंड कहां पर होगा, 4 पर होगा। नेक्स्ट में 17 मिनट्स पास्ट 9, तो 17 मिनट्स 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, तो 3 ये हो गया और 17 हमें लाना है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, 2 स्मॉल डिवीजन, 17 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स 3 तक हो गया, उसके बाद 2 और, तो 1 2 सेकंड स्मॉल डिवीजन 3 और 4 के बीच, वहां पे लोकेशन होगी मिनट हैंड की, ये 3 पे क्या होता है 15 मिनट, उसके बाद 2 स्मॉल डिवीजन सेकंड वाला। 25 मिनट्स टू 6, तो 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी मिनट्स मिनट हैंड कहां पे होगा, 5 पे होगा। 8 मिनट्स टू 9 का क्या मतलब हुआ, 8 कंप्लीट हो चुके हैं और 9 होने में 8 मिनट बाकी है, तो देखिए यहां से आते हैं ये 5, और जब ये 2 लिखा रहता है तो रिवर्स आते हैं, यहां 12 से काउंट करते हैं, तो 5 6 7 8 यहां पर, नाइन होने में 8 कम मिनट बाकी है, यानी कि 8 बज के कितना मिनट हो चुका है, 52 मिनट हो चुका है, और जैसे 8 मिनट और हो जाएंगे तो 60 हो जाएगा और वो 9 बन जाएगा, तो 8 बज के 52 मिनट्स का है, या 8 मिनट्स टू 9, तो 52 कहां पर आएगा, या इस तरह से करें तो 10 यहां पे हुआ, 10 5 50 और 1 2 सेकंड स्मॉल डिवीजन, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। क्वार्टर टू 4, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, 4 होने में 15 मिनट्स बाकी हैं, तो देखिए मिनट हैंड कहां पर होगा, 9, तो 1 2 3 15 मिनट बचे रहेंगे, यानी क्वार्टर रह जाएगा, तो क्वार्टर टू 4, क्वार्टर टू 3 कहीं कुछ भी होगा, क्वार्टर 2 करके लिखा होगा तो हमेशा मिनट हैंड 9 पर ही होगा, जब लिखा रहेगा क्वार्टर 2, और क्वार्टर पास्ट होगा तो मिनट हैंड हमेशा 3 पर होगा, तो क्वार्टर टू 4 लिखा है, यानी मिनट हैंड कहां पर होगा, 9 पर होगा, क्योंकि इसके बाद 15 मिनट्स रह जाते हैं 4 कंप्लीट होने पे, यानी क्वार्टर टू 4। क्वार्टर पास्ट 10, क्वार्टर पास्ट तो हमेशा मिनट वाली मिनट हैंड कहां पे होगा, 3 पर हो गया, 10 के बाद क्वार्टर पास्ट हो चुका, क्वार्टर मिनट मतलब 15 मिनट, 1 2 3 मिनट हैंड कहां पर होगा, 3 पर होगा। जब भी हाफ कहा जाता है तो हाफ का मतलब क्या होता है, मिनट हैंड हमेशा 6 पर होता है, तो आवर पे आप ध्यान मत दीजिए, सीधे मिनट हैंड के बारे में कहा गया, आप मिनट हैंड कहां पे बनाएंगे, 6 पर। 9 मिनट्स टू 10, तो अगर मिनट हैंड 10 पर होता तो कितने मिनट रह जाते, 1 2 2 बिग डिवीजन, यानी 10 मिनट रह जाते, 5 2 10, लेकिन 9 मिनट ही रहेगा, यानी मिनट हैंड क्या होगा, 10 से थोड़ा आगे है, 10 के बाद जो पहला स्मॉल डिवीजन है वहां पर है। 9 मिनट टू 12 यानी 11:51, तो 10 तक 50 होता है और उसके बाद पहला स्मॉल डिवीजन क्या हो जाएगा, 51, तो 11 बज के फिगर हो गया, ऐसी बना है, आपको समझना है कि मिनट हैंड को आपको कहां पे रखना है, 10 के बाद पहला जो स्मॉल डिवीजन है वहां पे ले जाना है। आवर हैंड थोड़ा डिस्टर्ब है यहां पे, बाकी मिनट हैंड आपको बनाना है तो आप 10 के बाद पहला स्मॉल डिवीजन है वहीं पर इसको आप शो करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टाइम इन फिगर, 5 o'clock मतलब 5 है आवर और टाइम मिनट में तो कुछ है नहीं, तो 5:00, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर मतलब 15, 4 के बाद 15 मिनट और हो चुके हैं, तो 4:15, सॉरी अपने को बी पे आना, 25 मिनट पास्ट 7, 7:25, 11 के बाद 38 मिनट और हो चुके हैं, तो 11:38, 11:38, 23 मिनट्स टू 2, सॉरी डी हो गया, क्वार्टर पास्ट 4, 4:15,
ई में हाफ पास्ट नाइन, हाफ का मतलब 30 मिनट्स होता है, तो नाइन के बाद 30 मिनट्स और यानी 9:30, 10 मिनट्स टू सिक्स, सिक्स होने में 10 मिनट बाकी हैं, यानी 5 के बाद 50 मिनट हो चुके हैं, तो टोटल 60 के बाद नया आवर हो जाता है, तो 5:50 हो गए, सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट होते ही 6 हो जाएगा। ऐसे 23 मिनट्स टू टू, अभी टू हुआ नहीं यानी 1 हो चुका है, टू होने में 23 मिनट्स बाकी हैं, यानी कि 37 मिनट्स हो चुके हैं 1 के बाद, और जैसे 23 और आएगा तो 60 हो जाएगा और 2 बच जाएगा। क्वार्टर टू 7, क्वार्टर का मतलब 15, 7 होने में 15 बाकी है यानी 6 हो चुका है और 45 मिनट और, क्वार्टर टू में 45 मिनट हमको शो करना होता है, 6:45 क्वार्टर टू में 45 में आवर हैंड मिनट हैंड होता है, और क्वार्टर पास में मिनट हैंड कहां पर होता है, 3 पर होता है यानी 15 पे, तो 6:45। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन द ब्लैंक्स 40 मिनट्स पास्ट 5, 5 के बाद 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो जब टोटल 60 मिनट्स हो जाते हैं तभी नेक्स्ट टाइम आता है, तो 6 बजने में कितना है, 40 हो चुका है, 20 और रह गया, तो तब जाके 60 होगा, 20 मिनट्स टू 6, 34 मिनट्स पास्ट 11, 11 के बाद 34 मिनट्स हो चुके हैं, तो 34 60 में कितना कम है, 26, तो 26 होते ही क्या बन जाएगा ये 12, तो 26 मिनट्स टू 12। अब 53 मिनट्स पास्ट 8, 8 के बाद 53 मिनट हो गए हैं, तो अगर 7 मिनट और आ जाएं, 7 मिनट्स यहां पे और आ जाते हैं, तो ये 60 हो जाएगा, और उसके बाद टाइम क्या हो जाएगा, 9, तो 7 मिनट्स टू 9, क्वार्टर टू 7, तो क्वार्टर टू 7 का मतलब होता है 15 मिनट रह गए हैं 7 होने में, यानी 45 मिनट हो चुके हैं 6 के बाद, तो 45 मिनट्स पास्ट 6, 14 मिनट्स टू 9, 9 होने में 14 मिनट्स बाकी है, यानी 8 तो हो चुका है, और 8 के बाद कितने मिनट हो चुके हैं, तो 60 में 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 46, यानी 46 मिनट्स और हो जाएंगे, तो ये 60 हो जाएगा और उसके बाद 9 हो जाएगा, अभी कितना है, 46 मिनट्स पास्ट 8। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो जो भी पढ़ाया गया है आप इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।